हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है मॉइस्चराइजर्स के बारे में, क्योंकि मॉइस्चराइजर हमारी स्किन केयर रूटीन का एक ऐसा स्टेप है जो हमें हमेशा करना चाहिए। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे अपनी स्किन को, तब की स्किन की जो क्वालिटी है ना, ख़राब हो जाती है। आप लॉन्ग रन में बहुत सफ़र करोगे अगर आप अभी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते हो तो। सो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हर स्किन टाइप्स के लिए 3 से 4 अच्छे कंपनीज के स्टैंडर्ड मॉइस्चराइजर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस वीडियो में अगर मैं कोई मॉइस्चराइजर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी स्किन के लिए बुरे हैं। मैं अपने हिसाब और एक्सपीरियंस से जो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए सेफ़ हो और प्लस आपकी स्किन के लिए काम करेगी, उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। आमतौर से अच्छी कंपनीज अपनी जो क्रीम्स या फिर लोशंस में जो प्रिजर्वेटिव डालती है, जैसे कि पैराबेंस, एथेनॉल्स, इन सारे प्रिजर्वेटिव्स की जो मात्रा होती है ना, वो डेंजर लेवल से नीचे होती है। फिर भी मेरी सजेशन है कि आप हर मॉइस्चराइज़र या फिर लोशन को हमेशा डेट देख के ही खरीदें। 3 महीने से ज़्यादा पुराना प्रोडक्ट आप ना खरीदें तो ही ज़्यादा अच्छा है। सो हमारी स्किन 5 टाइप्स ऑफ होती है। सबसे पहले है ड्राई स्किन, यानी सूखी त्वचा जो हमेशा ड्राई रहती है, सूखी रहती है। सेकंड है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो ज़्यादा ड्राई भी ना हो या फिर ज़्यादा ऑयली भी ना हो, उसे नॉर्मल स्किन कहते हैं। फिर है ऑयली स्किन, जिसमें ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और जो स्किन हमेशा ऑयल से चमकती रहती है। फिर है कॉम्बिनेशन स्किन, यानी जिनकी फॉरहेड, नोज एंड चिन की एरिया ऑयली रहती है और बाकी पूरी फेस ड्राई रहती है, उन्हें कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। और इसके बाद आता है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन यानी जो स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो और कुछ भी अप्लाई करने से स्किन बहुत ही रेड हो जाती है, इचिनेस हो जाती है, खुजली होती है उस स्किन में, तो उसे सेंसिटिव स्किन कहते हैं। सो स्किन टाइप्स के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन ड्राई है और उस ड्राई स्किन में आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन ड्राई ही रहेगी, सूखी ही रहेगी, क्योंकि उसमें आप ऑयली स्किन की मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ड्राई स्किन के लिए जो मॉइस्चराइज़र आती है उन्हें ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कोई और स्किन टाइप ऑयली या फिर सेंसिटिव स्किन की अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो तो आपकी स्किन उससे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सो इसीलिए बिना सोचे समझे कुछ भी हमें अपनी स्किन में अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो अब बात करते हैं कि कौन सी स्किन टाइप में कौन सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन में हमेशा हमें ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए, जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो। तो ड्राई स्किन के लिए कुछ मॉइस्चराइज़र्स के नाम है, सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, पॉन्स का ड्राई स्किन क्रीम, हिमालया इंटेंसिव फेस मॉइस्चराइजिंग लोशन, इवियन क्रीम बाय मार्क कंपनी, ये आपको कोई भी केमिस्ट के शॉप में इजीली मिल जाएगी, क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च क्रीम। तो इन मॉइस्चराइजर्स में से आपको जो भी मॉइस्चराइजर आपकी स्किन प्लस आपकी बजट को सूट करे, आप उस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऑयली स्किन के लिए आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। तो ऑयली स्किन के लिए हमेशा हमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, जिस मॉइस्चराइज़र में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और ऑयल की क्वांटिटी कम हो, तो वैसे मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना चाहिए। तो कुछ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स के नाम है, निविया सॉफ्ट क्रीम, न्यूट्रोजेना ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, क्लीन एंड क्लियर का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, लैक्टोकैलामाइन ऑयल बैलेंस ड्राई हाइड्रेटिंग लोशन और हिमालय का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये सारी मॉइस्चराइज़र एंड लोशन अच्छे कंपनीज के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो इनमें से कोई आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स के लोगों की स्किन गर्मी में ऑयली रहती है और सर्दी में ड्राई रहती है, तो उन्हें गर्मी में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए और सर्दी में ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वाटर बेस्ड एंड प्लस ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र शेयर कर लिया है, तो आप गर्मी में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे और सर्दी में ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे। सो अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की। तो सेंसिटिव स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी प्रोडक्ट अपनी फेस में मत लगाना, क्योंकि इससे आपकी फेस में रेडनेस हो सकती है, इचिनेस हो सकती है, फेस को बहुत ज़्यादा हार्म भी हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा सोच समझ के सेंसिटिव स्किन में प्रोडक्ट्स अप्लाई करना चाहिए।
सो जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है उन्हें हमेशा अपने फेस को सिर्फ ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद आप अपने फेस में कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस्ड प्योर सनफ्लावर ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस्ड प्योर सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल आप अपने फेस में अप्लाई कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक ऑयल आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट में बहुत ही अच्छी कंपनीज के प्योर कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सेसमे ऑयल आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से ऑनलाइन ख़रीद सकते हो इन्हें। एंड अगर आपको अपने फेस में ऑयल अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने फेस में अप्लाई कर सकते हो सेटाफिल लोशन फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन या फिर आप एविनो का मॉइस्चराइजिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हो। सो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से पहले हमें अपने फेस को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करना ज़रूरी है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपने फेस को गुनगुना गर्म पानी से वॉश करोगे। ल्यूकवार्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करोगे। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई भी माइल्ड सोप से अपने फेस को क्लीन कर सकते हो, जैसे कि आप पियर सोप से अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। या फिर अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है आपकी स्किन में, तो आप कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ कीजिए जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड हो। और नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स के लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश या फिर माइल्ड सोप से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस यही था मेरा आज का ये वीडियो। ऐसे इस टाइप्स के वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो कि नहीं, लाइक बेस्ट सनस्क्रीन, बेस्ट फेस वॉश, कौन सा आप देखना चाहते हो, ज़रूर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। एंड आप चाहे तो मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगी है, अगर आपको कुछ जानने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोज़ आगे देखते रहने के लिए। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।